टेस्ला के सीईओ को तो आप जानते ही होंगे, एलन मस्क, एक जानी मानी हस्ती, पूरे वर्ल्ड की बच्चा बच्चा जानता है। चीन की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। इससे यूएस के एक मंत्री को लग गई है मिर्ची। उसे यही नहीं पता कि जो व्यापार की सीमाएं होती हैं उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई देश का कोई मतलब नहीं है। एलन मस्क दुनिया के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अपने व्यापार के अलावा सरहदों से, किस देश का क्या रिलेशन है कोई मतलब नहीं है, न धर्म से मतलब है, उन्हें केवल और केवल व्यापार से मतलब है। और तो और आपको बता दें कि आप जानते ही होंगे कि चाइना में ट्विटर बैन है, तो उन्होंने ट्विटर पर कोई ट्वीट भी नहीं किया। और इससे पता चलता है कि उनकी कर्मठता, उनका डेडिकेशन व्यापार में कैसे है। तो इससे अमेरिका में हलचल मच गई। अमेरिका के लोग आपस में बातें करने लगे कि हो क्या रहा है। अमेरिका तो आए दिन, है ना, चाइना को धमकी देता रहता है कि ताइवान से दूर रहो, ताइवान से दूर रहो, लेकिन अमेरिका का एक व्यापारी बिना यूएस गवर्नमेंट को कुछ बताए और कहाँ पर पहुँच गया, चाइना में। तो एक नेता का कहना है कि चीन अमेरिका के व्यापारियों को कठपुतली की तरह अपने एजेंडे को साधते हुए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, यह चिंता का विषय है। एलन मस्क चीन गए, बीजिंग में की गई एलन मस्क की टिप्पणियों पर रिपब्लिक नेता और अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने चिंता जाहिर की है। रामास्वामी के द्वारा ये दावा किया गया है कि चीन अपने एजेंडे को सफल करना चाहता है। और एलन मस्क ने मंगलवार को चीन के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के दौरान घोषणा की थी कि वह चाइना में अपने कारोबार का विस्तार करेंगे। अब बात क्या है कि चाइना में एलन मस्क की सबसे ज़्यादा टेस्ला की कारें बिकती हैं। उस कार में एक बैटरी पड़ती है, लिथियम की बैटरी होती है, वो बैटरी बनाई जाती है चाइना में। जो कंपनी है, आप गैस करो उस कंपनी का नाम क्या है, हम अभी बताने वाले हैं। तो वो कंपनी 37% चाइना के अंदर बैटरी बनाती है। इस कंपनी का नाम है CATL, ठीक है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे मेरे कहने का मतलब। मंगलवार को चीन के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात के बाद घोषणा की कि चाइना तो हर क्षेत्र में सबसे आगे है, विस्तार करेंगे चाइना के साथ व्यापार का। चीन की खुलकर तारीफ की और मज़े से डिनर भी किया CATL कंपनी के सीईओ के साथ। गैर तलब है, अरबपति एलन मस्क की चीन की खुलकर तारीफ करना अमेरिका को बिल्कुल भी रास नहीं आया। एलन मस्क ने चीन से अमेरिका के अलग होने की बात पर असहमति जताई थी। बात यह है कि उन्होंने चीन के विदेश मंत्री किन गैंग के साथ अपनी बैठक में हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों के हित आपस में जुड़े हुए हैं। रामास्वामी ने गहरी चिंता जताते हुए कहा कि यह एक चिंता का विषय है कि एलन मस्क ने चीन की विदेश मंत्री से बिना यूएस को साथ लिए मुलाकात की है। साथ ही डी कपलिंग, अमेरिका का चीन से अलग व्यापार बढ़ाने पर बात है। क्या ये हो ही नहीं सकता कि अमेरिका और चाइना एक साथ हैं और व्यापार के क्षेत्र में अमेरिका और कम्युनिस्ट चीन को जुड़ा हुआ बताया, किसने, चाइना ने और एलन मस्क ने। चीन ने टेस्ला के बीपी ने वैबो पर उस बयान को दोबारा पोस्ट भी किया कि यह बयान चीन में शेयर किया गया है। और आश्चर्य रूप से कि अमेरिका में यह बयान जारी तो नहीं किया गया।